हाय फ्रेंड, आई एम ज़रक्षा सेब और आप देख रहे हैं ज़रक्षा सेब टेक्स। तो आज फ्रेंड आपको मैं सिखाऊंगा कि एक न्यू टैप ऑफ न्यू ट्रिक के साथ एडिटिंग फ़ोटो आप किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने फोटोशॉप एक्सप्रेस को ऑन करना है और वो पिक ले लेनी जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने फ्रेंड कोई भी पिक ले लेनी। पिक मैंने फ्रेंड ले ली है। पिक लेने के बाद आपने सबसे पहले स्प्लैश वाले ऑप्शन में आना है। स्प्लैश वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ से रेड वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, रेड वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने इसकी ओपेसिटी जीरो पे कर देनी है। फ्रेंड जीरो पे करने के बाद आपने सेटिंग पे क्लिक करनी है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने क्लैरिटी को फ्रेंड थोड़ा सा बढ़ा देना है और शार्पन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। रिड्यूस लुमेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और रिड्यूस कलर नॉइज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब आपने कंट्रास्ट वाले ऑप्शन में कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। हाईलाइट को आपने हल्का सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। शेडो को थोड़ा सा आपने फ्रेंड बढ़ा देना है। वाइट को भी आपने थोड़ा सा बढ़ाना है 2 पॉइंट तक और ब्लैक को भी आपने 2.1 पॉइंट तक बढ़ा देना है। टेम्परेचर को आपने तकरीबन 2 पॉइंट तक बढ़ाना है। टेंट को भी आपने तकरीबन 1 पॉइंट तक बढ़ाना है। विब्रेंस को आपने थोड़ा सा बढ़ाना है और सेचुरेशन को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है और इसको शेयर कर लेना है स्नैपसीड ऐप में। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने टूल्स वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से आपने सबसे पहले टून इमेज वाले ऑप्शन में आना है। टून इमेज वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देनी है। कंट्रास्ट जो है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और सेचुरेशन जो है ना फ्रेंड इसको आपने हल्का सा बढ़ाना है और एम्बियंस को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है और हाई लाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और शेडो को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। वार्मअप को छोड़ देना है। अब आपने करना क्या, आपने डिटेल्स वाले ऑप्शन में आना है। डिटेल वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा माइनस करना है और शार्पनिंग को बढ़ा देना है और ओके कर देना। अब आपने सेलेक्टर वाले ऑप्शन में आना है। फ्रेंड सेलेक्टर वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने सर्कल को फेस पे ले जाना है। ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा देना है। कंट्रास्ट को आपने माइनस कर देना है और सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है और स्ट्रक्चर को आपने फिर माइनस कर देना है। अब आपने करना कि आपने पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में जाना है। पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड आपने करना क्या है, फेस स्पॉटलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। स्किन स्मूथनर को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और आई क्लैरिटी को भी तकरीबन आपने 20 पॉइंट तक बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने करना क्या, हमारा लास्ट स्टेप स्नैपसीड में विग्नेटी वाला। ठीक है, तो आपने आउटर ब्राइटनेस जो है ना जिसको थोड़ा सा बढ़ाना है और इनर ब्राइटनेस को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसको सिंपली करना क्या फ्रेंड, आपने इसको शेयर कर देना है लाइट रूम में। बिल्कुल, आपने लाइट रूम में चले जाना है। लाइट रूम में पिक फ्रेंड आपकी चली गई होगी तो आपने लाइट रूम में चले जाना है। लाइट रूम में आने के बाद लाइट रूम में फ्रेंड पिक आपकी आ गई है। आपने सबसे पहले आपने करना क्या, आपने कलर वाले ऑप्शन में आना है। कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ पे मिक्स पे क्लिक कर देनी है और ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा देना है और सेचुरेशन भी बढ़ा देनी है और लुमेंस भी बढ़ा देना है। अब आपने ऑरेंज वाले ऑप्शन में आना है, इसको आपने थोड़ा सा माइनस करना है, सेचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा देनी है और लुमेंस भी थोड़ा सा बढ़ा देना। आपने येलो वाले ऑप्शन में आना है, येलो को थोड़ा सा बढ़ा देना है ह्यू इसका, सेचुरेशन भी इसकी बढ़ा देनी है और लुमेंस भी बढ़ा देना है। अब आपने ग्रीन वाले ऑप्शन में आना है, ग्रीन को आपने थोड़ा सा माइनस करना है इसका ह्यू, सेचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा देनी है और लुमेंस भी थोड़ी सी बढ़ा देना है। आप सियान कलर में आना है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है ह्यू को, सेचुरेशन भी बढ़ा देनी है, लुमेंस भी बढ़ा देना है। ब्लू जो है ना इसको आपने फ्रेंड आप तीनों को माइनस करना है, ह्यू सेचुरेशन लुमेंस। अब पर्पल वाले ऑप्शन में आना है, इसको आपने ह्यू को बढ़ा देना है, सेचुरेशन भी बढ़ा देना है और लुमेंस भी बढ़ा देना है। अब आपने लास्ट वाले कलर पर आना है, इसको भी आपने बढ़ा देना है ह्यू को, सेचुरेशन भी बढ़ा देनी है और लुमेंस भी बढ़ा देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने फ्रेंड करना कि आपने जाना डिटेल वाले ऑप्शन में, शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है, रेडियस को भी बढ़ा देना है, टेल को भी बढ़ा देना है, मास्किंग को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, नॉइस रिडक्शन को तकरीबन 60 पॉइंट तक आपने बढ़ाना है और डिटेल को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और कलर नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा देना है, टेल को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और स्मूथनिंग को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना, टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाना है, क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ाना है, डेज को माइनस करना है, वेट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, मिड पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ाना है, फीथर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, राउंडनेस को भी थोड़ा सा बढ़ाना है। तो यहाँ पे आपकी पिक रेडी होगी। तो आज का हमारा फ्रेंड यही, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।